नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आइए शुरुआत करते हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से हासिल की बड़ी उपलब्धि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत को मिला बढ़ावा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठित सरकारी संस्था ने स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के इस्तेमाल से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल्स की टेस्टिंग की। खास बात यह है कि स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया। डीआरडीओ ने इस मिशन को ऐतिहासिक करार दिया है। संस्था ने ट्वीट कर कहा कि इस मिशन के साथ ही ये साबित हो गया है कि डीआरडीओ बेहद पेचीदा तकनीक के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर सकता है। उसने कहा है कि ये औद्योगिक जगत के साथ अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक वाहनों के निर्माण का रास्ता खोलने वाला है। अंडमान और निकोबार कमांड ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच। भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। ये अभ्यास अंडमान और निकोबार कमांड के तत्वाधान में होना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना, इंडियन वायुसेना और इंडियन तटरक्षक शामिल होंगे। कवच अभ्यास में समन्वित हवाई और समुद्री हमले, समुद्री निगरानी, परिसंपत्तियों के समन्वित अनुप्रयोग, वायु रक्षा और लैंडिंग ऑपरेशन शामिल होंगे। कवच अभ्यास के साथ संयुक्त खुफिया निगरानी द्रोही अभ्यास भी आयोजित किया जाएगा। आईएसआर खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को मान्य करेगा, साथ ही अंतरिक्ष, भूमि, वायु और समुद्र से सूचना साझा करने की क्षमताओं को मान्य करेगा। फ्रांस अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 शुरू। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कर रहे हैं। यह अभ्यास दो वायु सेनाओं के बीच अनुबंध की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अद्वितीय है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों का क्षेत्रीकरण शामिल है और दो प्रीमियम एयरफोर्स के बीच बढ़ती अंतःक्रिया का संकेत है। फ्रांसीसी पक्ष राफेल एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन A400M सामरिक परिवहन विमान और लगभग 175 कर्मियों के साथ भाग लेंगे। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना के विमानों में अन्य विमानों में राफेल मिराज 2000 सुखोई 30 MKI शामिल होंगे। तेजस के बाद अब MiG-29 सुखोई 30 से अधिक मजबूत होगी सेना। सरकार ने खरीद पर बढ़ाए कदम। नए MiG-29 को पहले की अपेक्षा कम कीमतों पर खरीदा जाएगा। भारतीय वायुसेना में मिग विमानों की संख्या बढ़कर 59 हो जाएगी। वायुसेना में अब तक 260 सुखोई प्लेन को शामिल किया गया। सुखोई की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है। वायुसेना के लिए 80 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद के बाद भारत सरकार अब MiG-29 और सुखोई 30 खरीद की दिशा में आधिकारिक रूप से आगे बढ़ रही है। इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के तरफ से देश के अंदर निर्मित तेजस विमान खरीदने के 48,000 करोड़ रुपये के सौदे को मंजूरी दी गई थी। सरकार की तरफ से जल्द ही 21 MiG-29 विमानों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा। डीआरडीओ ने मोटरबाइक एम्बुलेंस रक्षिता CRPF को सौंपी। डीआरडीओ ने मोटरबाइक एम्बुलेंस रक्षिता CRPF को सौंपी। रक्षा मंत्रालय डीआरडीओ ने मोटरबाइक एम्बुलेंस रक्षिता CRPF को सौंपी। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के दिल्ली स्थित नाम की औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान ने आज बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता को एक समारोह में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपा। समारोह नई दिल्ली स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुख्यालय में आयोजित किया गया। डीआरडीओ के DS एवं DG डॉक्टर AK सिंह ने रक्षिता के मॉडल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक AP महेश्वरी को सौंपा, जिसके बाद इस अवसर पर 21 बाइकों के एक दल को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं में तत्काल मदद करेगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।